सबसे पहले आप इमेजिन करो कि एक प्लेन हवा में उड़ता है और अचानक रडार से गायब हो जाता है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स उसे खोजने में लग जाते हैं, लेकिन पृथ्वी का कोना कोना छानने के बाद भी उसका कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब ये महज इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि रियलिटी में ऐसा हो चुका है। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 को। मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशियन एयरलाइंस का बोइंग 777 फ्लाइट नंबर 370 उड़ान के लिए तैयार खड़ा था। प्लेन के अंदर इसके कैप्टन जहारिया अहमद शाह, को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे। और हर रोज की तरह ये प्लेन कुआलालंपुर से चाइना के बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाला था। पर ये उड़ान हर रोज जैसी नहीं होने वाली थी। ये इतिहास बनने वाली थी और एक ऐसा रहस्य बुनने वाली थी जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। देखो, आसमान बिल्कुल साफ था और मौसम एकदम शांत, पर उस दिन फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स का शनि बहुत भारी था। रात के करीब 1:30 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और अगले एक घंटे बाद बोइंग 777 साउथ चाइना सी के ऊपर 35,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा था। तभी फ्लाइट के कैप्टन वियतनाम की हो ची मिन सिटी के कंट्रोल स्टेशन को एक सिग्नल भेजते हैं और वियतनाम का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन मांगते हैं। अब दोस्तों, ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि ये फ्लाइट 370 के डेली रूटीन का एक हिस्सा था। लेकिन अजीब बात तो तब हुई जब इसके सिर्फ 1 मिनट और 43 सेकंड के बाद मलेशियन एयरलाइंस का ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और चाइना, इन चारों देशों के एयर कंट्रोल स्टेशंस जो प्लेन की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। पर एयर कंट्रोल स्टेशंस के लिए ये इतनी भी शॉकिंग बात नहीं थी। देखो, अक्सर ही प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर्स खराब हो जाते हैं और उन्हें बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद प्लेन को रडार से ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब एयर कंट्रोल स्टेशन लगातार फ्लाइट 370 से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। अब यहाँ पर प्लेन ट्रैक नहीं हो रहा था, पर कुआलालंपुर से बीजिंग की जर्नी सिर्फ 4 घंटे की ही थी। मतलब थोड़ी ही देर का इंतजार और फिर तो हमें प्लेन के बारे में पता चल ही जाने वाला था। पर दोस्तों, 4 घंटे बाद भी फ्लाइट 370 बीजिंग एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची। नाउ एट दिस पॉइंट पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में खलबली मच चुकी थी और फ्लाइट 370 को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। और दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है एविएशन के हिस्ट्री के बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन की। आखिरी बार जब फ्लाइट 370 से सिग्नल रिसीव हुआ था, तब ये साउथ चाइना सी में गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास थी। अब इस एरिया के पूरे समुद्र को छान लिया गया, लेकिन फ्लाइट 370 का कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। इस पॉइंट पर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस केस में वहां के मिलिट्री को इंक्लूड किया और उनके एयर रिकॉर्ड्स को चेक किया गया। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, एयर कंट्रोल स्टेशन के रडार प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल्स रिसीव करते हैं, लेकिन मिलिट्री के रडार्स रिफ्लेक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिसीव हो पाती है। अब दोस्तों, मिलिट्री रिकॉर्ड से ये पता चला है कि फ्लाइट 370 ने साउथ चाइना सी में अपनी लास्ट लोकेशन के बाद एक राइट टर्न लिया था और फिर एक लंबे लेफ्ट टर्न लेते हुए वो मलेशिया की ओर लौट गई थी। लेकिन वो मलेशिया में लैंड नहीं करती है, बल्कि पूरी कंट्री को पार करती हुई पेनांग आइलैंड से एक बार फिर शार्प राइट टर्न लेती है और अंडमान सी में पहुंच जाती है। अब दोस्तों, अंडमान सी का ज्यादातर इलाका भारत, म्यांमार और थाईलैंड के हिस्से में आता है, इसीलिए मलेशियन मिलिट्री रडार्स की पहुंच इसके आगे नहीं थी। तो इसके बाद फ्लाइट 370 का क्या हुआ होगा? वेल, इसकी जानकारी हमें पता चली सैटेलाइट कनेक्शन रिकॉर्ड से। देखो, आसमान में जो भी प्लेन्स उड़ान भरते हैं, वो लगातार सैटेलाइट्स को सिग्नल्स भेजते रहते हैं और इन सारे सिग्नल्स को जमीन पर मौजूद कोई ना कोई स्टेशन मॉनिटर कर ही रहा होता है। अब अंडमान सी के एरिया में एंटर होने के बाद फ्लाइट 370 का सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट टूट गया था, लेकिन सिर्फ 3 मिनट्स बाद फ्लाइट 370 की ओर से एक बार फिर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट की जाती है। इसके बाद अगले 6 घंटों तक फ्लाइट 370 सैटेलाइट
के कॉन्टैक्ट में रहती है और फिर उसके बाद इससे हमारा कॉन्टैक्ट परमानेंटली टूट जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? वेल दोस्तों, इसका सीधा सा कारण ये था कि 6 घंटे उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 370 का फ्यूल खत्म हो गया और तब तक अगर वो कहीं लैंड नहीं हुआ इसका मतलब प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया होगा। लेकिन इससे पहले 6 घंटे तक वो प्लेन कहाँ घूम रहा था? वेल, दुख की बात यह है कि सैटेलाइट कनेक्शन रिकॉर्ड्स हमें फ्लाइट की लोकेशन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इन 6 घंटों के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बना एक ग्राउंड स्टेशन फ्लाइट 370 और सैटेलाइट के बीच सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहा था। अब जब वो फ्लाइट 370 में इररेगुलरिटीज को नोटिस करते हैं तो प्लेन के क्रू से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अफसोस, बार बार कॉल लगाने के बावजूद भी दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। मगर अभी भी हमारे पास फ्लाइट 370 की लोकेशन को जानने का एक तरीका मौजूद था और वो था रेडियो वेव्स। अब देखो दोस्तों, प्लेन और सैटेलाइट के बीच कांटेक्ट रेडियो वेव्स की मदद से ही हो रहा था और इन्हीं रेडियो वेव्स की लेंथ को मेजर करके हम इसकी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते थे। अब पर्थ के ग्राउंड स्टेशन ने सारे डेटा को कैलकुलेट किया और अंदाजा लगाया कि प्लेन की फाइनल लोकेशन इंडियन ओशन के फार सदर्न रीजन में होनी चाहिए। मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, यही कहीं पर फ्लाइट 370 क्रैश हुई होगी। लेकिन दोस्तों, विशालकाय ओशन के बीच हम प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे और शिप से यहाँ तक जाने में सर्च टीम को पूरे 6 दिनों का समय लगता है। ऊपर से सैटेलाइट डेटा ने कोई पिन पॉइंट लोकेशन तो दी नहीं थी जहाँ सर्च टीम जाती और 1 मिनट में फ्लाइट 370 को ढूंढ लेती। अब सैटेलाइट डेटा से जो एस्टिमेटेड एरिया निकाला गया था वो 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमारे भारत का टोटल एरिया करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही है। हालांकि सर्च टीम फिर भी हार नहीं मानती और यहाँ के चप्पे चप्पे को छानती है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब दोस्तों, यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हम इंसानों ने समुद्र में जगह जगह पर हाइड्रोफोन्स नाम के डिवाइसेस लगा कर रखे हुए हैं। अब ये डिवाइसेस ओशियन सरफेस पर होने वाली कोई भी आवाज को रिकॉर्ड करती है। अब अगर फ्लाइट 370 इंडियन ओशन के इस पार्ट तक आई होगी तो जाहिर सी बात है कि वो पानी के अंदर ही क्रैश हुई होगी, लेकिन हाइड्रोफोन के डेटा से ऐसी कोई भी आवाज नहीं मिलती है जिससे ओशियन सरफेस से किसी प्लेन साइज्ड ऑब्जेक्ट के टकराने की पुष्टि हो सके। अब इस दर्दनाक और मिस्टीरियस इंसिडेंट के 1 साल बीत जाने के बाद भी सर्च टीम के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा था और अब तो दुनिया भर के गवर्नमेंट्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसने एक बार फिर सर्च ऑपरेशन में जान फूंक दी। 29 जुलाई 2015 को मेडागास्कर के रीयूनियन आइलैंड पर बीच के किनारे एक 2 मीटर लंबा मेटल का टुकड़ा मिलता है जो किसी प्लेन का लग रहा था। एंड यस, एक्सपर्ट्स प्रूव कर देते हैं कि ये फ्लाइट 370 का ही टुकड़ा है। लेकिन साउथ इंडियन ओशन, जहां पर प्लेन की लास्ट लोकेशन कही जा रही थी, उससे 4000 किलोमीटर दूर मेडागास्कर में ये टुकड़ा आखिर आया कैसे? अब जब पृथ्वी के ओशियन करंट्स के डेटा को खंगाला गया तो ये पता चला कि साउथ इंडियन ओशन का सारा कचरा बहकर अफ्रीका की ओर ही आता है। अब इसे देखते हुए सर्च टीम ने आसपास के कई देशों के बीचेस को छान मारा और उन्हें प्लेन के टोटल 31 टुकड़े मिले। हालांकि इनमें से सिर्फ 3 ही ऑफिशियली फ्लाइट 370 से जोड़कर देखा जा सकता था और इससे हमें ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी जो प्लेन क्रैश को एक्सप्लेन कर सके। अब एक बार फिर से साउथ इंडियन ओशन को ही फ्लाइट 370 की आखिरी डेस्टिनेशन मानकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, पर अगेन सर्च टीम को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अब करीब 3 साल तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद नवंबर 2017 में ऑफिशियली फ्लाइट 370 की सर्च को खत्म कर दिया जाता है। पर दोस्तों, सर्च ऑपरेशन के खत्म हो जाने से ह्यूमन क्यूरियोसिटी का अंत नहीं हो जाता। मेनस्ट्रीम मीडिया में अभी भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ये प्लेन कैसे और कहां पर क्रैश हुआ होगा। और आपके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे 6 पॉसिबिलिटीज मिली है जो फ्लाइट 370 के क्रैश के साथ जोड़ी जा सकती है। अब इनमें से 2 प्लेन में टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है और 4 ह्यूमन एस्पेक्ट से। तो चलिए सबसे पहले इस केस के टेक्निकल एस्पेक्ट को खंगालते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लाइट 370 में 227 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स मौजूद थे, लेकिन इतने सारे लोगों के अलावा इस पर 11,000 किलोग्राम सामान भी लादा हुआ था और इसमें काफी ज्यादा मात्रा में लिथियम आयन बैटरीज भी ले जाई जा रही थी। अब फ्लाइट 370 के साथ हुई घटना के पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जब चलते प्लेन में लिथियम आयन बैटरीज फट जाती है और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। अब शायद
फ्लाइट 370 के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा और मे भी इसीलिए पायलट साउथ चाइना सी से टर्न लेते हुए प्लेन को मलेशिया वापस ले जा रहे थे और इसी हड़बड़ी में प्लेन क्रैश हो गया होगा। लेकिन यार यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो उसे कहीं ना कहीं तो जरूर गिरना ही चाहिए था, और अगर साउथ चाइना सी में ही लिथियम आयन बैटरीज के कारण आग लग गई थी तो प्लेन साउथ इंडियन ओशन तक पहुंच ही कैसे पाया? वेल, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। नाउ सेकेंडली, ये पॉसिबिलिटीज जताई गई है कि किसी टेक्निकल फ्लो के कारण पायलट के केबिन का प्रेशर डिस्टर्ब हो गया होगा और ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों पायलट्स बेहोश हो गए होंगे। अब अगर मैं इस पॉसिबिलिटी के फेवर में बात करूं तो शायद ये वही टाइम था जब फ्लाइट 370 3 मिनट्स के लिए सैटेलाइट से डिसकनेक्ट हुई थी। इसके बाद वो ऑटो पायलट मोड पर चली गई होगी और मशीन ने ऑटोमेटिकली फिर से सैटेलाइट को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दी होगी और तभी शायद वो 6 घंटे तक सैटेलाइट के कॉन्टैक्ट में रही, लेकिन जब कैबिन में कॉल किया गया तो वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में बात करें तो आपको पेनांग आइलैंड का इंसिडेंट तो याद ही होगा। यहां से फ्लाइट ने बेहद शार्प टर्न लिया था और इसके बाद वो अंडमान सी के एरिया में एंटर करती है। अब एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ऑटो पायलट मोड अपने आप इतना शार्प टर्न ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रामिंग में होता ही नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट से कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ होगा, और इसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है हाईजैकिंग की। देखो, फ्लाइट 370 के टेक ऑफ से पहले 2 लोगों को फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था। इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये दोनों या फिर इनके और भी साथी क्रू के बीच मौजूद थे जिन्होंने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, लेकिन पुलिस इन दोनों से पूछताछ करने के बाद भी कोई टेररिस्ट कनेक्शन नहीं कर पाई। अब ये दोनों बेसिकली क्रिमिनल्स तो थे जो चोरी के केस में सजा से बचने के लिए मलेशिया से भाग रहे थे, और अगर ये भी मान लिया जाए कि प्लेन हाईजैक हुआ था तो ये एलियंस ने थोड़ी ना हाईजैक किया था जो उसे गायब ही कर देंगे। देखो, इस केस में प्लेन को कहीं ना कहीं तो लैंड जरूर होना ही चाहिए था। साल 2016 में मलेशियन रॉयल पुलिस की एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो जाती है जिसके अनुसार पुलिस को फ्लाइट 370 के कैप्टन जहारिया अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला था। अब ये एक ऐसी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल पायलट्स रियल प्लेन को उड़ाने का एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं। अब देखो, फ्लाइट सिम्युलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेट्स फीड किए गए थे ना, उनका अंत भी साउथ इंडियन ओशन में ही हो रहा था। तो क्या जहरिया अहमद शाह ने जानबूझकर फ्लाइट को क्रैश किया था? वेल, शायद हाँ या फिर शायद नहीं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स 100% तो मैच नहीं कर रहे थे और साउथ इंडियन ओशन में अंत होने से पहले भी ये प्लेन हवा में काफी लंबे समय तक नाचा था। हालांकि दोस्तों, जहारिया अहमद शाह पर लगे आरोप का अंत यहीं पर नहीं होता। कुछ लोगों ने दावा किया कि जहारिया अहमद शाह ने किसी इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर जानबूझकर फ्लाइट 370 को क्रैश कराया था। अब यहां पर यह दलील दी जाती है कि वो पेनांग आइलैंड तक प्लेन को इसीलिए ले गए थे क्योंकि ये वही जगह थी जहां वो पैदा हुए थे और वो लास्ट टाइम अपनी सिटी को देखना चाहते थे। हालांकि दोस्तों, जहारिया अहमद शाह पर लगे आरोपों से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं था। उन्हें 18,000 घंटों से भी ज्यादा समय तक प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस था और वो काफी अमीर थे और उनकी मेंटल हालत भी बहुत ज्यादा स्टेबल थी। मतलब यहाँ पर वो कुछ पैसों के लिए दबाव में आकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं दे सकते थे, और ऐसा लगभग इम्पॉसिबल ही लगता है। अब जहारिया अहमद शाह के बाद शक की सुई को पायलट फारिक अब्दुल हमीद की तरफ भी मुड़ती है और उन पर भी साजिश में शामिल होने के आरोप लगते हैं। लेकिन आखिर इसका रीजन क्या था? वेल दोस्तों, जब फ्लाइट 370 साउथ चाइना सी से वापस लौटते समय मलेशिया के ऊपर से निकलती है तो फारिक अब्दुल हमीद का सेल फोन एक मलेशियन टावर से कनेक्ट करता है। अब ऐसा कहा गया है कि शायद वो फ्लाइट 370 के अंजाम के बारे में पहले से ही जानते थे और इसीलिए वो आखिरी बार अपनी फैमिली से बात करने के लिए कॉल लगाना चाह रहे थे। हालांकि जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा एक्चुअल कॉल किया ही गया हो, हो सकता है कि सेल फोन ने मलेशियन टेरिटोरी में एंटर होने के बाद ऑटोमेटिकली ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्लाइट 370 को अमेरिका ने गायब किया है। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया के कई आइलैंड पर अमेरिका के नेवल बेसेस मौजूद हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद अमेरिका ने ही गलती से प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया होगा। हालांकि देखो, इस बात के भी कोई सबूत नहीं है और इतना बड़ा कांड करने के बाद अमेरिका कोई सबूत छोड़ देगा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
और साल 2018 में तो एक ऐसी थियरी सामने आई जिसने इससे पहले के पूरे सर्च ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। देखो, फ्रांस की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च टीम ने सारे डेटा को फिर से एनालाइज किया और पाया कि फ्लाइट 370 साउथ इंडियन ओशन में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के काफी करीब मौजूद क्रिसमस आइलैंड की ओर पहुंची होगी। हालांकि रीसेंट ईयर्स में यहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं और एज यूजुअल यहां भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगस्त 2023 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक फ्लाइट 370 का कोई भी सबूत नहीं मिला है। फ्लाइट 370 के साथ क्या हुआ होगा और आज इसका मलबा पृथ्वी पर किस जगह पर पड़ा हुआ होगा, शायद ये सवाल अब हमेशा के लिए अमर हो चुका है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आप इस मिस्टीरियस केस के बारे में क्या सोचते हो, कि आखिर इसकी एंडिंग कैसी हुई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमें इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।